नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं रंजीत विश्व बंगोल से सर जी। आज सुबह सर मेरा बैटरी कैटे क्लास था सर जी। सर इस लाइन में सर हम 4-5 साल से हैं सर। मैं सर आज तुमको नहीं पता था कि आईडी लाइन और थर्मस क्या होता है सर। मेरे पास मॉडल था सर, तो सिर्फ नेगेटिव प्रोजेक्टिव चेक करते थे, ठीक है सर, कि कौन सा ग्राउंड आ रहा है कौन सा प्रोजेक्टिव सर। लेकिन आज यहाँ आने पर पता चला सर थर्मल लाइन होते हैं सर, आईडी होते हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं वो सभी पता चला सर। हम लोग क्या करते सर, कुछ ही प्रॉब्लम आगे से टेम्परेचर टू हाई, हम लोग क्या करते गूगल में सर्च करते थे, यूट्यूब में देखते थे सर, वहाँ से कभी कोई मिला कभी कोई नहीं मिला, क्या करते थे वहाँ रिटर्न करते थे। लेकिन सर आज हमारे देव सर ने बहुत अच्छी तरह थ्योरी बताई कि कैसे क्या प्रॉब्लम आता है क्या नहीं आता है, वही थ्योरी को मैं सर हमारे एमडी सर ने पूरा प्रैक्टिकल कराया सर, और कैसे लाइन कहाँ जाता है कैसे ट्रेक किया जाता है, कौन सा आईडी में क्या वोल्टेज आना चाहिए, क्या जीआर आना चाहिए, थर्मल में क्या वोल्टेज क्या जीआर आना चाहिए, सब ने पूरा प्रैक्टिकल सर किया एकदम सर। और सर मैं इतना सब कुछ कर लिया सर कि कोई मॉडल मैं रिपेयर कर सकता हूँ, चाहे कोलकम का हो चाहे मीडिया टेक का हो चाहे स्पेंडर, कोई भी मॉडल सर मैं रिपेयर कर सकता हूँ सर। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सर। सर हमारी क्लास थी आज बैटरी कनेक्टर सेक्शन की, बैटरी कनेक्टर जो कि पीसीबी में सर बैटरी कनेक्शन का, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा जी आपके पास आता हूं मैं, तो बैटरी कनेक्शन की क्लास थी आपकी आईडी थर्मल वीबेट है ना? यस सर। तो इसका एंडलेस नॉलेज किस किस को है? यस सर। पूरा एंडलेस नॉलेज यस सर, बाय थ्योरीकली बाय प्रैक्टिकली यस सर। तो जो देव सर के साथ आपकी क्लास हुई जी, बैटरी कनेक्टर की क्लास हुई आपकी, जिसमें आईडी थर्मल और ग्राउंड का भी हमको आज मालूम हुआ कि ग्राउंड होता है, पहले इस चीज का नॉलेज था, सेंस की लाइन क्या होती है नॉलेज था हमको नहीं, नॉलेज था। तो आज जो सर के साथ आपकी 5 या 6 घंटे की जो भी क्लास हुई उसके बाद आपको पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल मिला इस क्लास में। अच्छा, तो किसी का कोई डाउट? नो सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मीडिया टेक का सीपीयू और आईडी की लाइन CPU तक ढूंढ लो, कौन कौन ढूंढ सकता है? कौन कौन ढूंढ सकता है? कितनी जरूरी है? इग्नोर कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो? कोई टेक्नीशियन ग्राउंड की सफाई ना पड़े हो और सेट बना रहा हो तो सोचो क्या करेगा, फॉल्ट बना पाएगा? एंडलेस फॉल्ट नहीं, क्योंकि बैटरी साइंस वाला फॉल्ट वो बना ही नहीं पाएगा। तो ग्राउंड की सप्लाई पड़ी, फिर हमने क्या पढ़ा जल्दी बताओ, हमने बहुत अच्छे से समझा कि वीबैक बनता था तो शॉर्ट होता था तो क्या होता था, बीपीएच क्यों लगाया, और फिर हमने बीपीएच लाइन को धूरा, और फिर हमने किसको आइडेंटिफाई किया। आप मुझे बताओ सुबह से अब तक बेकार से 3-4 घंटे में डीसी टू डीसीआईसी कौन कौन ढूंढ सकता है? आपके पास में हर आईसी का नाम है सीपीयू वाइज। फिर उसके बाद हमने 3 सेकंड के अंदर बीपीएच लाइन को ढूंढना सीखा एल, और उसके बाद अब हमने सर्किट समझा कि आई और टेम्परेचर में बेसिकली पहले आईसी जाती कहां है, हेलो, और सर्किट वन और सर्किट टू। तो अगर मैं बात करूं, हमने बैटरी की टेक्नोलॉजी समझी, मैं अभी लाइव हूं, मुझे बताइए अब पूरी बैटरी कनेक्टर की क्लास किस किस को समझ में आई, किस किस को अच्छी लगी? अभी आप कनेक्टर को देखने का नजरिया किस किस का बदला है? आप बदलो, देखो कनेक्टर खुद देखो आप। यस सर। अब कनेक्टर देख के बता रहे हो ये तो कॉम्पोनेंट भी दिख रहा है। यस सर। 8 पिन का नहीं 4 पिन का है। यस सर। मीडिया टेक में था, मुझे तो आप वोल्टेज और जीआर क्या मिलने चाहिए 600 से कम, 600 से ज्यादा। यस सर। जिसको आप जा करें, आप प्रैक्टिस कौन कौन करने वाला है? यस सर। मैं चाहता हूँ आप में से हर, देखो मैं लाइव हूँ और रील भी बन रहा है, लाइव में तो हम कोई टोल मोल के तो बोल नहीं सकते। क्या कर रहे हैं सर? नोट 4 में हम लोग वीबेट की लाइन ट्रेस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ का ट्रैक हमने यहाँ पे ट्रेस किया है, ये जो पीछे बाजू यहाँ पे पावर आईसी के पीएमआई आईसी पांचवी ट्रैक पे यहाँ पे ट्रैक जा रहा है वीबेट का, ये हमने पूरा ट्रेसिंग करके यहाँ पे पूरा ट्रेस किया है और डायग्राम भी इसका बनाया है। रील रील नहीं, रील तो बोले रहे ना, कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू जी, आप मेरे साथ ही चल रहा था ना, बाईपास कर गए। हेलो क्या कर रहे हैं जी? सर मेरे पास एक क्वालकॉम का बोर्ड है जी, इसका जो हम क्लास में पढ़े थे आज सुबह पढ़े थे कि वीबेट का
जो जो बैटरी कनेक्टर है उसको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और हमने से जो ट्रेस करते हैं और इसमें वी बैट और थर्म का पॉइंट है और आईडी का भी पॉइंट है, ठीक है, और वो लाइन किस तरह हमारा जो आईसी के आईसी में जाना चाहिए या आईसी के जाना चाहिए और वो कैसे जाते हैं उसका ट्रैक हम ट्रेस करते हैं। और ये थर्म का पॉइंट है, ये थर्म का पॉइंट है जिसका हम ट्रेस करते हैं, देखते हैं आईसी का कौन सा पॉइंट में जाता है। ये पीएमआई है, पीएमआई है इसका चौथा नंबर पॉइंट में, ठीक है, बताइए। तो आपका हैंडलेस सॉल्यूशन है आपके पास? जी सर, जी सर, और इसका हमने भी डायग्राम में भी बनाए हैं। अच्छा, डायग्राम भी बनाया आपने? जी सर जी। ये पीएमआई है और इसका थर्म पॉइंट है, इसका चौथा नंबर पॉइंट पर जाता है और इसका एक हाई वैल्यू रजिस्टर भी है इसमें और एनके का रजिस्टर है और उसके बाद वो पाँचवें पॉइंट में जाता है, पाँचवें टी सी में जाता है इसका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, टेलीकॉम, थैंक यू। चलिए मल्टीमीटर का लाइट चालू कर। उसका नहीं जी। हाँ सर, क्या कर रहे हैं आप? सर आज सुबह देव सर का क्लास था, वो बैटरी का कनेक्टर का, बैटरी कनेक्टर का, वो बैटरी का। हाँ सर, आप थोड़ा बताएंगे? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। अच्छा, तो वेस्ट बंगाल से हैं तो अभी आप प्रैक्टिकल क्लास में क्या कर रहे हैं? सर प्रैक्टिकल क्लास में वो जो थ्योरी में देव सर का जो क्लास था उसमें बैटरी कनेक्टर में होता है अपना आईडी होता है वो। तो अब ये बताइए मुझे कि सर से क्लास लेने के बाद आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में अभी क्या सर्च कर रहे हैं आप? अभी सर जो थर्म का लाइन सर्च कर रहा हूँ, तो बैटरी कनेक्टर से ये थर्म का लाइन है अपना, ठीक है, तो यहाँ से अपना गया है, यहाँ पे एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर से गया था, तो कैपेसिटर से होकर रजिस्टर में आया था, यहाँ पे ये रजिस्टर में आया, तो रजिस्टर से होकर अपना जो सीपीयू में डायरेक्ट गया है। अच्छा, वो आईडी की लाइन है ना अपनी? हाँ सर, आईडी की लाइन, ठीक है। अब आईडी की लाइन कहाँ जा रही है आपकी? सीपीयू का सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू में इसमें नोट 4 का आईडी का लाइन चेक कर रहा है। अच्छा, सीपीयू कौन सा है ये? सीपीयू क्वालकॉम का। क्वालकॉम का सीपीयू, तो चेक करके बताएंगे आप आईडी की लाइन? हाँ हाँ, बताइए। पीएमआई आईसी है, ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
ट्रेस कर सकते हैं बैटरी कनेक्टर भी। हाँ हाँ ठीक है सर। आई की लाइन है ये सर, थर्म की लाइन है, आईडी की, आईडी थर्म आईडी की लाइन है जी सर। तो सीपीयू तक ट्रेस कर सकते हैं जी सर। आईडी की लाइन ट्रेस कर रहे हैं सर? आईडी की लाइन से कर रहा हूँ। आईडी की लाइन है सर। नोट तो एल्डर सॉल्यूशन है आपके पास जी सर? ये कोई पुरानी पीसीबी किसी भी पीसीबी में तो नहीं चेक कर रहे हैं? नो सर। सावा नॉलेज तो नहीं है? नो सर। चेक कर रहे हैं सर? थर्मल की लाइन चेक कर रहा हूँ। क्यों इस बोर्ड में तो ना तो आईसी है ना एमएमसी है ना सीपीयू है, ये अंदर की ट्रैक है कि मैं क्या कर रहे हो आप? सर ट्रैक से ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे पास अगर उसका स्कीमेटिक नहीं हो, डायग्राम नहीं हो, कुछ भी ना हो तो भी हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसलिए सर निकाल के सब कुछ चेक कर लिया, तीनों लाइन निकाल दी सर। भी दिखाता हूँ आपको सर लाइन। देखिए सर ये तो मतलब एंडलेस सॉल्यूशन है? बिल्कुल एंडलेस सॉल्यूशन है। क्या करें भैया? सर ये MI6 से है, इसमें थर्मल की लाइन चेक हो रही है। थर्मल की लाइन चेक हो रही है। अच्छा थर्मल की लाइन टेस्ट करें आप? हाँ जी। एक बार टेस्ट करके दिखाइए आप। एक सेकंड, ये रही। कौन सी लाइन है? थर्मल की। थर्मल लाइन है। अच्छा जी ठीक है, कंटिन्यू कीजिए जी। बताइए क्या करें भी आप? हम आईडी का लाइन चेक कर रहे हैं और मिसिंग था जी, चिपू में पेट में था, हम निकाला। कौन सा फ़ोन है? 4G फ़ोन है या 3G? 4G फ़ोन है, MI4 MI4 का।
सर सिक्स का फ़ोन है इसलिए दवा लेके कहीं प्रॉब्लम होगी दिखाएंगे। अच्छा ये कौन सा है, कौन सा लाइन है ये? आईडी का लाइन है। अच्छा आईडी का लाइन है। उनकी बेच कौन कौन लाइन में? यस सर। सब लाइन में? यस सर। तो ये बताइए आज क्या क्लास थी आपकी? सर हमारी क्लास थी आज बैटरी कनेक्टर सेक्शन की। बैटरी कनेक्टर जो कि पीसीबी में सर बैटरी कनेक्शन का, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा जी आपके पास आता हूँ मैं, तो बैटरी कनेक्शन की क्लास थी आपकी आईडी थर्मल वीबेट है ना? यस सर। तो इसका एंडलेस नॉलेज किस किस को है? यस सर। पूरा एंडलेस नॉलेज यस सर, बाय थ्योरिकली बाय प्रैक्टिकली यस सर। तो जो देव सर के साथ आपकी क्लास हुई जी, बैटरी कनेक्टर की क्लास हुई आपकी, जिसमें आईडी थर्मल और ग्राउंड का भी हमको आज मालूम हुआ कि ग्राउंड होता है। यस सर। पहले इसका नॉलेज नो सर, सेंस की लाइन क्या होती है नॉलेज था हमको? नो सर, नहीं नॉलेज था। तो आज जो सर के साथ आपकी 5 या 6 घंटे की जो भी क्लास हुई उसके बाद आपको पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल मिला इस क्लास में। यस सर। अच्छा, तो किसी का कोई डाउट? नो सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मीडियाटेक का सीपीयू और आईडी की लाइन सीपीयू तक ढूंढ लो, कौन कौन ढूंढ सकते हैं? यस सर। कौन कौन ढूंढ सकते हैं? यस सर। एंडलेस तक एंडलेस आप तक सर। तो ये प्रैक्टिकली करा जब बोल रहे हो कि बिना प्रैक्टिकली बोल के? प्रैक्टिकली करा आपने क्लास में थ्योरीज के माध्यम से बताया और उसके बाद हमारे एमडी सर के माध्यम से हमने उसको प्रैक्टिकली किया, तो हम बड़े ही आसानी से सारे ट्रेसिंग बैटरी कनेक्टर से जितने भी फॉल्ट आते हैं वो हम बहुत कम समय में ट्रेस कर सकते हैं। सर ने आपने सिखाया सर्किट 1 सर्किट 2, ये किसी इतिहास की डायरी में नहीं लिखा हुआ है, नहीं सर, सर का बनाया हुआ फॉर्मेट है। बिल्कुल सर, है ना। और जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल मिलता है वो सर के माध्यम से ही मिलता है, माध्यम में होता हूँ बाकी दिमाग सर का होता है। दिमाग किसका होता है? देव सर का होता है। उनको मालूम है कि मेरे को स्टूडेंट को क्या देना है और प्रैक्टिकल में क्या देना है। बिल्कुल सर। तो जब भी सारा नॉलेज मिलता है देव सर के द्वारा मिलता है, तो इस नॉलेज को जो आपको थ्योरिकली मिल रहा है प्रैक्टिकली, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? धन्यवाद बोलना चाहेंगे और सभी आने वाले स्टूडेंट्स से बोलना चाहेंगे कि फास्टली जितने भी मोबाइल के काम के क्षेत्र में लोग उतरने वाले हैं उनको एक बार एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें और यहाँ से सीख कर जाए और कुछ अपने जीवन में हासिल करें। तो जो ये चीजें आपके दिल से निकल रही, कोई दबाव में निकल रही? कोई नहीं सर, बिल्कुल एकदम खुशी के साथ। खुशी के साथ? दबाव में तो नहीं निकल रही? कुछ नहीं सर। किसी का जबरदस्ती रिव्यू ले रहा पकड़ते जबरदस्ती? और मैं सर यूपी रामपुर से हूँ, मेरा नाम आकाश कुमार है जी। तो आज सर मेरी 5वें दिन की क्लास है, यानी कि जो मुझे देव सर ने फास्टली पहले जो इंटरव्यू बताया था कि दूसरे दिन पावर आईसी, तीसरे दिन सीपीयू, ऐसा सब कुछ ईएमसी वगैरह सारा कुछ जैसा बताया था मैंने वैसे ही सब करता चला जा रहा हूँ सर। ये सब हो रहा है एशिया टेलीकॉम के माध्यम से। थैंक यू देव सर जी। सर मैं शुभम यूपी से, अयोध्या जिले से जी। जी सर, आज हम लोग सुबह जब आए तो सबसे पहले सर देव सर क्लास हुआ जिसमें हम लोग को बैटरी की जितनी फॉल्ट आती है, बैटरी एरर या चार्जिंग एरर ऐसे कुछ जितनी फॉल्ट आते हैं, आज हम लोगों ने सही रूप से स्ट्रेस किया उसको, थर्मल लाइन, आईडी लाइन। आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था थर्मल लाइन क्या होता है, आईडी लाइन क्या होता है, लेकिन आज हम लोगों ने सीपीयू से थर्मल लाइन और आईडी से पावर की निकसा निकाला उसको। आप उल्टा बोल दिए, आप आईडी को सीपीयू लाइन से और थर्मल को पावर लाइन से। सर आज हम लोग मतलब हम लोगों ने एकदम आज इतनी खुशी है सर कि पहली बार हम लोगों ने सर पावर का जो सॉल्व ने कभी नहीं किया था, जिसना सर अपने दुकान में हम लोग सर सजा के रखे हुए फोन है पावर की, इसकी सर बैटरी कनेक्टर की प्रॉब्लम से। तो अभी सोच रहे हैं सर यहाँ पे जाने के बाद पहला काम वही रहेगा जो सर हम लोग कूड़े में रखे हुए हैं जी। सर मैं जी नहीं बताइए आज मैं सुबह कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से। आपकी उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल जी। आज सुबह मैं देव सर का बैटरी कनेक्टर में क्लास थी, तो थर्मल क्या होता है, आईडी क्या होता है कुछ नहीं पता मालूम था। आज देव सर के क्लास में लेने के बाद आईडी क्या होता है, थर्मल क्या होता है पता चल गया। कोई भी फोन से मैं आईडी क्या है, थर्मल लाइन एंडलेस पता कर लेता हूँ। एंडलेस सॉल्यूशन है वो? हाँ सर। मीडियाटेक हो, क्वालकॉम हो, आपको पता है कि हाँ, कहाँ से कौन सा आएगा। हाँ। मीडियाटेक में अगर पीएमआई लगी है या बीक्यू लगा हुआ है तो आप ढूंढ सकते हो। यस सर, है ना। यस। और मीडियाटेक में अगर 63P लगी है और सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू तक, अच्छा आप सीपीयू तक गए कि नहीं गए? हाँ, आईडी लाइन को लेकर सीपीयू तक गए? हाँ।
थैंक यू सर, मेरा नाम संजय कुमार जाना है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ जी संजय। तो सर आज तो सुबह दीप सर का क्लास था हम लोगों का बैटरी कनेक्टर का, तो बैटरी कनेक्टर से बैटरी से कितना प्रॉब्लम आता है वैसे वो प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों को अभी तक तो पता ही नहीं था। आज दीप सर इतना अच्छा से समझाया, वो बैटरी का आईडी का लाइन होता है, वीवेट का होता है, ग्राउंड का होता है, तो वही सब सर्किट के बारे में पता चला और उसका उसका अनुसार कैसा कैसा फोल्ट आता है उसका बारे में पता चला। तो उसका जो सर्किट का जो ट्रैक लाइन है, ट्रैक लाइन हम लोग पूरा इंटरेस्ट तक चेक किया उसको सर्किट में, तो चेक करके उसका फोल्ट निकल रहा। थैंक यू सर, देखो काफ़ी देर से जी। मैं शुभम आगरा यूपी जी। शुभम बताइए। आज सर बहुत वही मैंने दो दिन पहले ही जो ट्रेसिंग एक बार करी थी स्पीकर वाली वो भी निकाली थी हम लोगों ने जी, और वो भी पावर से निकाली थी, आज भी वही निकाली है, आईटी की थर्मल की ये सब निकाली है ट्रेसिंग, और बहुत बढ़िया फील हो रहा है और बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो एलएच सॉल्यूशन है आपके पास? यस सर। हेलो सर, मेरा नाम जितेश है मुंबई से। आज हमारी देव सर के साथ क्लास थी बैटरी कनेक्टर की। आज हमने जाना कि बैटरी कनेक्टर होता क्या है, आज तक के कहीं पे भी नहीं बताया गया कि उसकी लाइन यहाँ से लेके एंडलेस तक कहाँ तक होती है, एंड लाइन कहाँ पे आज तक किसने भी नहीं बताया होगा और कहीं पे शो भी नहीं है। आज हमने उसे ट्रेस किया, डायग्राम बनाया और हमें पता चला कि बैटरी में क्या होता है, बैटरी कनेक्टर से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आता है, उससे क्या सोल्यूशन निकलेगा। मैं थैंक यू बोलूँगा एसर टेलीकॉम को और थैंक यू बोलूँगा देव सर को। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम विपिन, मैं आगरा से। सर आज हमने जाना बैटरी की कनेक्टर में है कितने प्रकार के पॉइंट्स होते हैं, जो पहले हम समझते थे केवल माइनस प्लस होता है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि आईडी भी एक पॉइंट होता है और थर्मल भी एक पॉइंट होता है, कई तरह के पॉइंट्स होते हैं, ग्राउंड का ग्राउंड हमने जाना चाहिए, ग्राउंड का भी ग्राउंड होता है, ग्राउंड का ग्राउंड, और उसका हमने बिना किसी डायग्राम के सोल्यूशन पूरा अपना ट्रेस किया और आईसी तक पूरा निकाला उसको, और आगे भी कोई भी फोन आता है मेरे पास तो मैं बिना किसी डायग्राम के उसको ट्रेस कर सकता हूँ। ओके थैंक यू। मेरा नाम पहले सर जी, खुशी से जी। सर आज मेरे सुबह 11 बजे क्लास था, हम लोगों ने बीबैट और बी आई अच्छी ग्राउंड का भी ग्राउंड बताया, इसका भी जाना, इसके बाद से आई डी और थर्मल का भी पता किया, उसके बाद से हम लोग सीपीयू को आईडी को ट्रेस किया कि कहाँ जा रहा है, इसके लिए सीपीयू के पैंट लाइन तक गया था। सर सीपीयू के पैंट लाइन तक गया था, इसलिए सर थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। हेलो एशिया टेलीकॉम, मैं अमित सर। आज मैंने देव सर की क्लास में जैसा कि बैटरी कनेक्टर की क्लास थी, आज हमने बहुत सारे फॉल्ट जो हमारे सामने आते थे सर, बैटरी से संबंधित, चार्जिंग से संबंधित, जिसको हम समझ नहीं पाते थे, गूगल में सर्च करते थे कि कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाता था, और आज हमें पता चला कि थर्मल लाइन और थर्म और आईडी लाइन होती क्या है, और ग्राउंड का भी कोई ग्राउंड होता है सर, ऐसा नॉलेज हमें आज तक कहीं नहीं मिला, और हमने खुद से ट्रेसिंग करना सीखा, खुद से अपना डायग्राम बनाना सीखा, सीपीयू तक कैसे लाइनें जाती हैं, कैसे पावर पीएमआई तक लाइन जाती है और उसको कैसे ढूंढते हैं, कैसे बनाते हैं, तो सर पूरा सोल्यूशन मिल चुका है, इससे संबंधित कोई फॉल्ट आता है हम 100% उसे बना सकते हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इससे टेलीकॉम। थैंक यू। मैं ओम प्रकाश कुमार जी, वेस्ट चंपारण बिहार जी, बेतिया जिला से हूँ जी। सर मैं आज पहली बार, ओम प्रकाश एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे सर, आप असाधारण होने के बाद इतनी दूर आए, तो पेशेंस में कोई कमी और जो सोच के आए वो आपको मिला कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर मुझे वो मिल रहा है, उससे कई ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है सर जी, बहुत बहुत मैं एशिया टेलीकॉम को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, देव सर को भी, एमडी सर को भी जी, सब सर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो सोच कर आया था उससे ज़्यादा ही मिल रहा मुझे फीडबैक। आज तक मैं ग्राउंड के डबल लाइन होती है ये चीज़ मुझे पता नहीं था जी, और बैटरी रीस्टार्ट होता था, हम लोग आज तक क्या करते थे, बैटरी को क्वाइल शॉर्ट आपस में कर देते थे, जम्पर मार देते, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि वो वहाँ पर क्वाइल लगा सकते हैं, कहाँ से लगाएंगे, कैसे कराएंगे, वो तो हमें पता नहीं था, लेकिन आज देव सर ने जो बताया, उसके बाद एमडी सर ने प्रैक्टिकल दिया, मुझे बहुत उससे नॉलेज बढ़ी काफ़ी ज़्यादा, जो मैं आज तक 100% सॉल्व कर सकता हूँ वो प्रॉब्लम को, कहीं भी किसी भी मदरबोर्ड का हो, चाहे क्वालकॉम का हो, चाहे मीडिया टेक का हो। थैंक यू सर, थैंक यू एसियो टेक जी। सर नमस्कार, मैं उड़ीसा से हूँ, शिवशंकर पात्र। हाँ जी, आज पाँचवें दिन का क्लास था, आज हमने जो 10 बजे आए और देव सर से हमारा क्लास हुए,
और आज का क्लास में था जो बैटरी कनेक्टर का कैसे ट्रेसिंग करते हैं, बैटरी क्या क्या प्रॉब्लम होता है, दूसरे बहुत सारे फोनों में क्या क्या प्रॉब्लम आता है बैटरी से और बैटरी कनेक्टर से, और कैसे उस लाइन से जो क्या क्या का प्रॉब्लम होता है, बैटरी का जो टिप्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, और बैटरी लाइन से क्या क्या प्रॉब्लम आता है हमारे फ़ोन से, वो हमें समझाए और उसका ट्रेसिंग करवाए कैसे क्या है, बी बैट है, बी टैंप है, आईडी लाइन क्या है, ग्राउंड लाइन क्या है। ग्राउंड लाइन का हमें पता चला कि ग्राउंड तो हमें सोचते हैं ग्राउंड ही ग्राउंड है, और आज ऐसा तो नहीं हुआ कि खाली एक ही मदरबोर्ड पे आपने प्रैक्टिकल कर लिया हो? एक ही मदरबोर्ड नहीं, क्वालकॉम में, मीडियाटेक में और सैमसंग में सभी तरीके के मदरबोर्ड में कैसे ट्रेस करते हैं इसको, बैटरी लाइन कैसे कैसे ट्रेस करवा जाता है किया जाता है वो हमें समझाए सर ने, और हमें इसे अच्छी तरीके से समझे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो समझाए, और ग्राउंड कैसे ढूंढते हैं ग्राउंड से, और हमें कौन से आईसी के उसका लाइन जो ज़्यादा ट्रैक करता है, कौन से आईसी के होते हैं उसका कंपोनेंट बेसिस में क्या क्या आता है, उसको कैसे ट्रेस किया जाता है वो हमें सिखाए, और प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही हुआ और हमें ट्रेस किया खुद से ही क्या क्या उसका ट्रेसिंग हमें सीखे और खुद से भी किया है, और उसका जो डायग्राम भी हम खुद से बनाए हैं कैसे कैसे होता है उसका, और थैंक यू एस आई टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर। मैं शैलेंद्र पाल अयोध्या यूपी से। जी तो शैलेंद्र जी बताइए मेरे को कि आज आपकी बैटरी की क्लास थी आपकी, जी सर, थर्मल की क्लास, तो आप पूर्ण रूप से ट्रेस कर पाए कि नहीं कर पाए? जी सर जी। तो अभी कोई सी भी पीसीबी आती तो आप आईडी थर्मल की लाइन को आप पिकअप कर सकते हैं? यस सर। अगर फॉल्ट सीपीयू तक हो तो आप बना सकते हैं? जी सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल सर। मैं गणेश महाराष्ट्र से, और देवसर और देवसर के 10 बजे से क्लास शुरू हुई, उसमें हमने जाना कि बैट आईडी थर्मिस्टर वीपीएच और आईडी ये सब जाना, और उसमें प्रैक्टिकल में हम विदाउट स्कीमेटिक से कैसे इनलेस पहुंच सकते हैं, और बैटरी अपना टेम्परेचर प्रॉब्लम या फेक चार्जिंग वो सब जाना हमने, उसमें कैसे इनलेस सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट जी, मैं यूपी से, यूपी के मुजफ्फरनगर जब से सुनील कुमार। जी सर, आज हमको सुबह बैटरी के सभी फॉल्ट पढ़ाई गई। जी उसके बाद में हमें एम डी सर ने थोड़ी गया वो प्रैक्टिकल कराया उनको सभी के, बैटरी की जो जो समस्या आती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, आई डी से होती है, थर्मल से होती है, ये सब हमको आज पढ़ाई गई बहुत ही अच्छी तरह से, फिर प्रैक्टिकल कराएगा। थैंक यू अच्छी। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रेम, रामपुर जिले से यूपी वाइस से। जी जी सर, आज हमारी जो सुबह क्लास थी वो बैटरी कनेक्टर क्लास थी, जैसे कि जितने भी एरर आते हैं बैटरी के, चार्जिंग एरर, बैटरी एरर, और जो जो उससे रिलेटेड, यानी बैटरी से रिलेटेड जो भी एरर आते हैं, ठीक है सर, उसकी जैसे कि आईडी लाइन, थर्मल लाइन, ग्राउंड, बी बैट, कहाँ इसका लास्ट पॉइंट है, कहाँ आईडी का लास्ट पॉइंट है, कहाँ थर्मल का लास्ट पॉइंट, सर पूरा फुल क्लियर हो गया सारा सारा जो जो जितने बैटरी से एरर आते हैं, जैसे चार्जिंग से समस्या बहुत आती है सर, ज़्यादातर बैटरी की समस्या रहती है, और कभी कभी ऐसे सिचुएशन बन जाती है कि बैटरी चेंज करना पड़ती है, लोकल बैटरी डालना पड़ती है। हम सर देव सर की सुबह क्लास में देव सर ने हमें ये बताया कि अगर आप चाहें तो जो उसके साथ की बैटरी उसे भी रिपेयर कर सकते हैं। जी जी। तो मतलब ये क्लासेस जो आपने आज ली है, जिससे आपको ये नॉलेज हुआ कि आप कोई सा भी सर्किट को उठा के आईडी थर्मल का दिक्कत आता है, किसी भी सर्किट जैसे क्वालकॉम एमटी के स्पेक्ट्रम सर, किसी भी सीबीयू को उठा के सर हम बिना डायग्राम के सर उसे नोटिस कर सकते हैं एग्जैक्ट उसकी लास्ट स्टेज कहाँ पर है। तो ये बताइए मुझे कि ये जो क्लास मिली है आपको, इस क्लास के आधार पर तो पूर्ण रूप से आपको प्रैक्टिकल मिला कि नहीं मिला? जी सर, पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल मिला सर, अपने हाथों से हमने सारा कुछ किया, जैसे हमारे एमडी सर का हमें सपोर्ट मिला, और उसके बाद सर हमने अपने हाथों से नोट सारा कुछ वेरीफाई क्लियर किया। तो एक बोर्ड पे करा, दो बोर्ड पे करा, तीन बोर्ड पे करा, चार बोर्ड, सारे टाइप के बोर्ड, मीडियट है, स्पेक्ट्रम और क्वालकॉम, सारे सीपीयू पे करा। जी सर चलिए ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू एवरी सर। थैंक यू एसेट एलिमेंट। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं रंजीत वेस्ट बंगाल से सर। आज सुबह सर मेरा बैटरी कनेक्टर क्लास था सर। सर इस लाइन में सर हम 4-5 साल से हैं सर, तो सर आज तुमको नहीं पता था कि आईडी लाइन और थर्मस क्या होता है सर। मेरे पास मॉडल था सर, तो हम सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव चेक करते थे, ठीक है सर, कि कौन सा ग्राउंड आ रहा है, कौन सा पॉजिटिव सर। लेकिन आज यहाँ आने पर पता चला सर थर्मल लाइन होते हैं सर, आईडी होते हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं वो सभी पता चला सर।
हम लोग क्या करते सर, कुछ ही प्रॉब्लम आगे से टेम्परेचर टू हाई, हम लोग क्या करते गूगल में सर्च करते थे, यूट्यूब में देखते थे सर, वहाँ से कभी कभी मिला कभी कभी नहीं मिला, क्या करते थे मोबाइल रिटर्न करते थे। लेकिन सर आज हमारे देव सर ने बहुत अच्छी तरह थ्योरी बताई कि कैसे क्या प्रॉब्लम आता है क्या नहीं आता है, वही थ्योरी को मैं सर हमारे एमडी सर ने पूरा प्रैक्टिकल कराया सर, और कैसे लाइन कहाँ जाता है, कैसे ट्रेक जाता है, कौन सा आईडी में क्या वोल्टेज आना चाहिए, क्या जीआर आना चाहिए, थर्मल में क्या वोल्टेज क्या जीआर आना चाहिए, सब ने पूरा प्रैक्टिकल सर किया एकदम सर। और सर मैं इतना सब कुछ कर लिया हूँ सर कि कोई भी मॉडल मैं रिपेयर कर सकता हूँ, चाहे कॉलकॉम का हो, चाहे मीडिया टेक का हो, चाहे स्पेंडर, कोई भी मॉडल सर मैं रिपेयर कर सकता हूँ सर। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सर, जय हिंद जय भारत। नमस्ते सर, मैं रितेश कुमार हूँ भिलाई से छत्तीसगढ़। रितेश बताइए सर, आज हमारी फर्स्ट फिफ्थ क्लास थी एशिया टेलीकॉम में सर, और आज हमारी बैटरी कनेक्टर के बारे में पढ़े हमने सर, और उसकी सप्लाईज के बारे में भी हमने पढ़ा सर, और अब सर और उसकी जैसे बैटरी कनेक्टर की सप्लाई होती सर, बैट आई डी, बैट टेम्परेचर, वो सब के बारे में पढ़ा सर, और अब सर हमें इतना नॉलेज हो गया है कि सर जो इसे रिलेटेड फॉल्ट में जैसे बैटरी, मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट प्रॉब्लम, और चार्ज एरर, टेम्परेचर एरर जो भी आता है टू हाई टू लो, वो सर हम लोग बना सकते हैं बिना मोबाइल स्कीमेटिक डायग्राम के सर। और हमने ये भी पता चला आज हमें कि सर जो नॉर्मल ग्राउंड होता था फ़ोन में, और उसका भी सर एक अलग सर्किट है, ग्राउंड का भी अलग सर्किट होता है सर, ग्राउंड का कोई सेंसिंग पॉइंट है सर, वो सब का भी जानकारी हमें मिला। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू डेव सर, थैंक यू एमडी सर। मैं संजीव वाराणसी यूपी से। वाराणसी से बहुत हो गया इस बार, मतलब वाराणसी से कितने, तीन लोग हैं ना? हाँ, आज सर मेरा यहाँ पे पांचवा दिन है एशिया टेलीकॉम में। आज मेरा सुबह में क्लास था बैटरी कनेक्टर से जी। अभी तक तो हमने बैटरी कनेक्टर को सही तरीके से पहचान भी नहीं पाते थे कि जैसे बैटरी कनेक्टर में बहुत सारे सेटों में दो ही पिन दिखते थे, बहुत सारे में तीन पिन, चार पिन, आजकल के सेटों में किसी किसी में आठ भी दिखता है, छः भी दिखता है, तो वो सब कौन सा पिन किससे जुड़ा होता है, किसका क्या वर्क होता है, किस पर कितना वोल्टेज आता है, और उसमें उस पिन से रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, उसको फॉल्ट फाइंडिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब आज हमने बहुत अच्छे तरीके से एमडी सर के क्लास में जाना। और उस लाइन से बैटरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, आईडी की लाइन, वी वेट की लाइन, ये सब कहाँ का कितना कितना वोल्ट आता है, ये सब आज हमने एमडी सर से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। ये जो सर ने क्लास दी आपको मॉर्निंग में देव सर ने, अगर यही अगर क्लास अगर कोई दूसरा टीचर देता जैसे टेलीकॉम के अतिरिक्त अगर कहीं से और से लेते आप, तो क्या इतना अच्छा नॉलेज मिल पाता? नहीं सर, उतना अच्छे तरीके से शायद हम न समझ पाते अगर कोई और अगर हमें बताता। एमडी सर का, देव सर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा कुछ अलग ही है, वो इस तरीके से बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। सुबह के क्लास के बाद फिर हमने आज प्रैक्टिकल भी किया, प्रैक्टिकल में भी बहुत सारा हमने लाइन वगैरह ट्रेस किया आपका आईडी का, थर्मल का, वीवेट का। अगर आपकी आईडी की लाइन अगर सीपीयू में जाती है तो आप सीपीयू तक जा सकते हो? हाँ सर, जा कैसे सकते कैसे बैटरी कनेक्टर से सीपीयू तक जा सकते हो? हाँ सर, बैटरी कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ ये बताया? हाँ सर, बैटरी कनेक्टर जैसे आपका ले लीजिए थर्मल का लाइन, तो थर्मल का लाइन आप बैटरी कनेक्टर से अगर हम आगे चलते हैं तो उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, जैसे आपका हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस भी लगा होता है, डायोड भी लगा होता है जो कि पैरेलल सीरीज में होता है, फिर उसके आगे क्या कंपोनेंट लगा होता है, वो सब चीज़ें बताना नहीं है अपने को, है ना? तो ऐसा सर पूरा पता होता है हम लोगों को। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एशिया कॉम, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। मैं बिहार से रवि कुमार हूँ, आज मैं बैटरी कनेक्टर पे पूरा डिटेल्स के बारे में जाना है, और महीना जैसे बैटरी का प्रेटिक प्लस होता है और ग्राउंड होता है, आईडी का लाइन और थर्मल का लाइन, ये सब थोड़ी ट्रेस करना सीखा है। थैंक यू देव सर, थैंक यू सर। हेलो सर, मैं मुकुल चौधरी असम से। आज हमारा क्लास था सर बैटरी कनेक्टर पे, और आज हमने जाना सर थर्मल थर्मिस्टर का और आईडी लाइन क्या होता है वो हमें जाना आज। और सर कभी भी सर्किट में कोई ऐसा बैटरी टेम्परेचर और ऐसा कोई फॉल्ट आएगा तो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं सर। तो थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, और थैंक यू एमडी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा आवाज़ से, मेरा नाम मोहम्मद जवदीन,
आज मैं हम लोग की क्लास बैटरी की क्लास थी, बैटरी का फॉल्ट क्या क्या आता है, बैटरी टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वगैरह वगैरह सारे फॉल्ट का एंडलेस हम लोग को पता चला क्या क्या है, कैसे करना है, उसका सॉल्व कैसे करना है, सारी चीज़ें। तो एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं आपको? जी सर बाय प्रैक्टिकली। जी अगर प्रैक्टिकली अगर आईडी की लाइन अगर सीपीयू तक जा रही है तो आप ट्रेस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? जी सर आज हम लोगों ने अपने से खुद से अपना डायग्राम बनाया और खुद से ट्रेस किया सर हम लोगों ने। अच्छा जी सर। तो खाली एक पीसीबी पे कर लिया है, एक मॉडल पे कर लिया है? नहीं अदर कोई भी बोर्डों की सर उस पर भी कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 8 घंटे की क्लास चलती है? 12 घंटे होता है क्लास। तो आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आज? सीपीयू रिमाउंट। सीपीयू माउंट रिमाउंट। अच्छा किस किस लिए करा ये? यस सर। करा? यस सर। एक बार करा कि बार बार करा? बार बार। कोई तुक्के में लगी क्या ऐसी? तो सर ने बोला था यहाँ आपका कि तीसरे दिन पावर। यस सर। तीसरे दिन पावर किस किस लिए करा था? यस सर। सबने किया था? यस सर। और चौथे दिन आपका सीपीयू? यस सर। तो चौथे दिन सीपीयू सबका डन हुआ? यस सर। सबका? यस सर। आवाज नहीं आई? यस सर। यस सर। तो ये लाइट डन करके बैठे हैं आप? यस सर। तो ये प्रोसेस आप कितनी बार की हो सर? आज ईमानदारी आज मेरा तीसरा चौथा दिन है एशिया टेलीकॉम ज्वाइन होते हुए। आज मैंने 6E 6A 4G मोबाइल को सीपीयू निकाल कर और डाला, ऑन भी हो गया, ऑन बोर्ड में से निकाल कर डाला हूँ, प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया। कितने बार मजा रन हुआ सर? ये वन टाइम में। पहले फ़ोन चालू था ऑन था। और आपने सीपीयू उसको माउंट माउंट किए? यस। फ़ोन फिर से चालू हो गया? यस। तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। एशिया टेलीकॉम का IMD सर को भी, प्रैक्टिकल कराने वाले सर को भी थैंक यू, सारे सर को थैंक यू, एशिया टेलीकॉम को थैंक यू देते हैं। आज हमारा चौथा दिन था एशिया टेलीकॉम में। आज हमने मॉर्निंग में सीपीयू रिबॉलिंग का, माउंट रिमाउंट का प्रैक्टिस किया पहले। बाद में हम लोग ने चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाला और वापस से हमने रिबॉलिंग करके लगाया और ये हमारा जॉब डन हो गया। आज तक हमने सीपीयू पे कभी काम नहीं किया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक ही बार में डन हो गया।